ग्निजिबल ऑफेंस जो है इसकी क्या एग्जाम्पल है वी जस्ट नो दैट नॉन काग्नेजिबल ऑफेंस इज सचर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वॉर इज द मैजिस्ट्रेट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू टू होल्ड ए परसन टू अरेस्ट ए परसन नाउ वॉट हैर वेरियस स्टेप्सोड

नॉन कागनजल ऑफेंस जो है वाकई नॉन काग्निजल था uh, इसके एविडेंसेस क्या थे कि ये uh, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो कि वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड दैट ऑफेंस और नॉट सो इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है और फिर चार्ज शीट उसके नेक्स्ट स्टेप है टू uh, स्टेब्लिश के आया ये वाकई ऑफेंस कमिट हुआ है उस शख्स ने कमिट किया है या नहीं तो एक बाकायदा चार्ज शीट उस एविडेंस के साथ तमाम तफसील लगाई जाती है और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो चार्जशीट होती है जो मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है क्योंकि वो उसको फिर एग्ज़ामिन करता है और देखता है कि वाकई जो चीज़ इन्वेस्टिगेट की गई है उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई है कोई एग्जेजरेशन तो नहीं है कोई इसमें पार्शियलिटी तो नहीं है या किसी को किसी के साथ लीनसी भी हो सकती है सो so, ये चार्ज शीट तैयार की जाती है इसके बाद जो है चार्ज शीट को कोर्ट में फाइल किया जाता है और टू बी फाइल इन द कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास और फिर इस पे ट्रायल होती है और फिर फाइनल uh, ऑर्डर होते हैं कि उस इंडिविजुअल को उस ऑफेंस के लिए अरेस्ट uh, किया जाए uh, या ना किया जाए यानी इसमें uh, पूरी तहकीक के बाद उसके वारंट इशू होते हैं और वो कोर्ट से ऑर्डर आते हैं उसकी अरेस्ट के उस इन्वेस्टिगेशन यानी ये मजिस्ट्रेट की अदालत में सारे इन्वेस्टिगेशन जो है जो पुलिस ने तैयार की होती है और वो फिर एक ऑर्डर इशू करता है उसकी अरेस्ट का और उसकी कॉपी जो होती है जिसको अरेस्ट करना है और पुलिस ऑफिसर जो जो इसने अरेस्ट करना है वो उसको अपने साथ रखते हैं अरेस्ट करने से पहले अब एग्जाम्पल्स क्या हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अंडर स्केड्यूल टू ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाइनटीन एटीन नाइनटी एट पहला है ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ राइट यानी ऐसा ओनर और जिस जहां पे राइट्स हुए हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर नहीं कर रहा ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है पब्लिक सर्वेंट डिस ए डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन सो ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो लॉ को डिस uh, कर रहा है विद इस इंटेंट से ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है 166 सेक्शन के तहत अ पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड यानी सिविल सर्वेंट एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट है उसको uh, कानूनी तौर पे वो जो नौकरी जिसके लिए वो कॉम्पेंसेशन कर आ, आ, मिल रही है तनख्वाह मिल रही है वो किसी और ट्रेड में आ, नहीं यानी वो और कोई ट्रेड नहीं कर सकता सो so ये ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेक्शन 168 के तहत ये बेलेबल है पर ये बेलेबल है ब्राइबरी ड्यूरिंग इलेक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इसके लिए वारंट जरूरी है 171 और ये बेलेबल है

सर्विसेज और अदर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए पब्लिक सर्वेंट आपको बुलाया गया है और आप वहाँ हाजिर नहीं होते कोर्ट में किसी इंक्वायरी के लिए आपकी मौजूदगी नहीं होती वहाँ पे तो आपका ये नॉन कॉगनीजबल ऑफेंस है अब ये देखना है कि ये कवानी जो स्केड टू में दिए गए हैं हाउ मच आर दे अप्लाइड